हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक द माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं लौट चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ वापस। अब फ्रेंड्स, मैं इस वक्त आया हूँ आगरा जिले में, जो ड्रॉप जोन पड़ता है यहाँ पे। भाई, गाँव वाले तो इसे पैरासूट नाम से बोलते हैं। यहाँ पे भाई फौजियों की ट्रेनिंग होती है, जो जहाज से कूदते हुए दिखाए जाते हैं भाई फौजी। और यहाँ पे भाई ये काफ़ी बीच में है, एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ड्रॉप जोन है भाई ये। और यहाँ पे पैरा कमांडो और फौजियों की भाई ट्रेनिंग चलती है, काफ़ी सख्त ट्रेनिंग चलती है। यहाँ पे ऊपर से कूदते हैं भाई जहाज से। और भाई ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये पूरा जो ड्रॉप जोन है ये 1200 बीघा में है, जिसके आसपास चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैं इस ग्राउंड के बीच में आ चुका हूँ भाई, जो ड्रॉप जोन है। आपको जो भैया दिख रहे हैं, मेरे भैया हैं वो, आपको जो खड़े दिख रहे हैं वो एक टीला है छोटा सा। फौजी जब मतलब जहाज से कूदते हैं तो इस टीले से उनको सिग्नल दिए जाते हैं। और भाई ये काफ़ी बड़ा है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता भाई। एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ड्रॉप जोन है ये। इसको गांव की भाषा में भाई पैराशूट बोलते हैं यहाँ के लोग तो इसको। और आपको भाई जो नीचे दिखाई दे रहा है डब्बा सा, इससे धुआं निकलता है जब फौजी और कमांडो हवाई जहाज से कूदते हैं, तो उनके लिए ये सिग्नल का काम करता है, धुआँ धुआँ सा। और ये ऐसे बहुत सारे डब्बे हैं जो इस घेरे के आसपास लगे हुए हैं। इस पर भाई ये सीमेंट का लेप चढ़ा दिया है ऊपर से। पहले मेरे भैया जब यहाँ पे रेस करने आते थे तो ये बता रहे थे कि ये यहाँ से खुला हुआ था, तो इसमें हम कूदते थे। इसमें पता नहीं कोई सामान वामान होगा फौजियों का। भाई जो सामने आपको घर देख रहे हैं वो भाई वहाँ पे फौजियों का कैंप है। और मेरा तो कैमरा बहुत ज़्यादा फट रहा है भाई, बट इसका छोर कहीं नज़र नहीं आ रहा है मुझको। और ये गाँव वालों ने भाई बहुत ज़्यादा घेर लिया है चारों तरफ से, आप देख सकते हो। ये सामने भेड़ें भी चल रही हैं। फ्रेंड्स, चलो मैं अभी आपको और कुछ भी दिखाना चाहता हूँ। मैंने देखा था कि एक दिन दो हवाई जहाज लेके जा रहे थे एक जिप्सी को, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली भाई। ज़्यादा तो नहीं बना पाया, लेकिन छोटी छोटी दो क्लिप्स ही बना ली है मैंने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों ने अपने अपने रनिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे गोले बना रखे हैं, जिनको गांव की भाषा में भाई रेस करनी बोलते हैं। मैं भी अभी तक उन्हीं पे दौड़ा हूँ भाई, बट अब मैं मथुरा रहने लग गया हूँ, तो मैं तो अभी KR स्टेडियम में जाता हूँ भाई, KR स्कूल में रनिंग करने के लिए। तो चलो मैं आपको अभी एक आध पड़ेगा तो आपको दिखाता हूँ भाई कितने बड़े बड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब तक यही नॉलेज देना चाहता था भाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट। और भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।